सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है कैसे आप कैपकार्ट के अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, या बोल सकते हो कैसे आप कैपकार्ट के अंदर अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं सीधा आ चुका हूँ कैपकार्ट वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो कैपकार्ट पर आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप एल्बम के ऊपर क्लिक करके अपना वीडियो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा वीडियो, सो मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आ जाएगा। सो यहाँ से वीडियो प्ले करके देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और ये जो वाटरमार्क मिलता है इस ब्लैंक स्क्रीन के अंदर इसको आपको डिलीट कर लेना है। सो डिलीट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। सो वेट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ जो है फिल्टर देखने के लिए मिलेगी, आप जिन्हें प्रीसेट भी कह सकते हो। सो यहाँ पर काफ़ी सारा प्रीसेट मिलेगा, ठीक है, इनमें से कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो लाइक मैं आपको दिखाया था। सो ये मैं आ गया नेचर पर और यहाँ से मैं इसको अप्लाई किया। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो का कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाया तो यहाँ पर बिल्कुल एंड में आ जाना है और स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी स्टाइल के ऊपर नहीं, बी एंड डब्ल्यू पर। सो उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रीसेट मिलेगा जिसका नाम होगा ब्लैक फॉर कुछ ऐसा नाम है इसका। सो इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो कुछ इस टाइप का कलर ग्रेडिंग हो जाएगा, सो ब्लैक एंड वाइट। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक में आप इस तरीके वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और भी मिलता है, सो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे अप्लाई कर लेना। और यहाँ पर आपको और भी मिलता है लाइक आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। सो आप यहाँ से सबको ट्राई करके देख सकते हो कि आपकी वीडियो के हिसाब से कौन सा प्रीसेट सबसे बेस्ट है, यानी कि सूटेबल है आपकी क्लिप के हिसाब से। सो मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये ब्लैक एंड वाइट वाला। सो मैंने इसको अप्लाई कर लिया और उसके बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको आ जाना है सिंपली बैक, बैक आने के बाद आपको मिलता है एडजस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहले आप अपनी क्लिप का ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद मिलता है कॉन्ट्रास्ट, सो यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। देन मिलता है सैचुरेशन, सैचुरेशन को हम यहाँ से अराउंड इतना कर लेंगे और यहाँ पर हम और कुछ यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिंपली कर देंगे ओके। उसके बाद इसको भी आपको अपनी पूरा वीडियो पर अप्लाई कर लेना है। और अभी आप देख सकते हो, सो यहाँ से मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे वीडियो का कलर चेंज हो चुका है। हालांकि और भी प्रीसेट मिलता है, कलरफुल प्रीसेट मिलता है। सो जो भी आपको पसंद आता है उसे आप अप्लाई कर लेना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसको अपनी वीडियो पर अप्लाई कर लिया। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ फिल्टर पर और ये जो हमने ऐड किया था इनको डिलीट कर लेते। सो इनको डिलीट कर लेते और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो मैंने डिलीट कर लिया और अभी आपको आ जाना है ओवरले पर और यहाँ से ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो पर आ जाना है और यहाँ से आपको जो है कि फ़ोटो ऐड करना है। सो मैं इस पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, सॉरी ये एक बैकग्राउंड है और इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। सो रोटेट इस तरीके से करना है और इसे आपको इस तरीके से अपनी वीडियो के ऊपर सेट करना है। उसके बाद इसका टाइमलाइन पूरा वीडियो पर अप्लाई कर लेना है। सो इसको छोटा कर लेते हैं ओके। सो उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है स्प्लाइस पर और स्प्लाइस पर आने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो। सो आपके वीडियो पर काफ़ी अच्छा एक डुअल टोन आ जाएगा। सो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फिल्टर, सिंपली फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर मिलता है ये लाइटें, इन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर लेना। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको अप्लाई किया और इसका ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो और अभी आप देख सकते हो आपकी वीडियो पर कुछ इस टाइप का एक इफेक्ट आ जाएगा। सो बेसिकली आप जो कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो पर एक लाइटिंग इफेक्ट या आप बोल सकते हो डुअल टोन कलर इफेक्ट डाल सकते हो। सो अगर आप इस तरीके से एडिटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो मैंने आपको जस्ट ये तरीका दिखाया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। सो इनको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से और जैसे हमने पहले कलर ग्रेडिंग किया था उसको लेकर आ जाते वापस। सो
ओके सो आप देख सकते हो मैंने अपनी वीडियो को वापस पहले जैसा कर लिया। अभी क्या करना है आपको, अपनी वीडियो को सेव करना है। यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए और भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। सो फिलहाल हमें अपनी वीडियो को सेव करना है, तो इसके लिए आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से आपकी गली के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।